Welcome on Easy Learning. Now I am going to cover the next part of the chapter in this video, Indian Civilization and Culture, written by Mahatma Gandhi. तो हम यहाँ थे, दिया हुआ है कि मॉडर्न और वेस्टर्न जो इनसेशियबलनेस है, मतलब इनसेशियबलनेस के मीनिंग होते हैं जो कभी न मिटने वाली भूख होती है, उसी को इनसेशियबलनेस कहा जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेशियबलनेस जो है वो वाकई में फ्यूचर स्टेट की जो फेथ है, मतलब हम फ्यूचर में कैसे रहेंगे उसके ऊपर हम पहले से ही विश्वास कर बैठते हैं, और बाकी में उसके लिए क्या क्या इच्छाएं हैं वहां से शुरू होती है, और इस तरीके से ये कुछ धार्मिकता को भी देखती है, एंड देयर फॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ, कहते हैं कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है या एंशियंट है, उनकी जो रोक है या उनके ऊपर जो कंट्रोल है, वो एक ऐसे विश्वास पर शुरू होती है, ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्स, मतलब हम सब के अक्सर बावजूद भी, इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, मीन्स फ्यूचर स्टेट के लिए और डिवाइन पावर की अस्तित्व के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भी मानती है कि डिवाइन पावर कहीं ना कहीं जो दैवीय शक्ति है वो मौजूद है। अब ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? ईस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब है कि हम लोग जो हैं, जो हमारा ग्लोब है, जिस ग्लोब को हमने ईस्ट से वेस्ट में बांटा हुआ है, ग्लोब को दो तरह से बांटा गया है, एक तो नॉर्थ से साउथ में बांटा गया है और एक बांटा गया है आपका ईस्ट से वेस्ट में, तो इसी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहे जाते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के मीनिंग होते हैं पूर्वी गोलार्ध, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के मीनिंग होते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में जैसे हमारे चाइना हो गए, इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये सब कंट्री आते हैं, और पश्चिमी गोलार्ध में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, ये सब कंट्री आते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को कंपेयर कराया गया है। तो यहाँ पर में जो है वो मॉडर्न और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, साथ में साथ जो एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसमें बहुत सारे बातें कॉमन है। दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं और दोनों ही फ्यूचर स्टेट में विश्वास रखते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, कुछ इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट्स है मॉडर्न इन्वेंशन की, मतलब जो आधुनिक चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, जो हम जल्दी जल्दीबाजी कर रहे हैं, और इसके कुछ ब्रिलियंट रिजल्ट हैं, मतलब ही बहुत ही अजीब से परिणाम है, वो ये है कि हम पागल होते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे, और उसको हम रोक नहीं पा रहे। बट आई हैव नो मैटर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, लेकिन मुझे इसमें डाउट करने के लिए कुछ नहीं बचा है कि आदमी केवल तभी विक्ट्री कर सकता है अगर वो किसी चीज़ पर कंट्रोल कर ले। मतलब यहाँ गांधी जी कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो समझो हमने उस चीज़ पे विजय पा ली है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, कहते हैं हम काफ़ी ज़्यादा डेंजर में हो गए हैं, जहाँ पे हम किसी भी परमानेंट जो गुड है उसको हम लेन देन नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ है। यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि जो परमानेंट गुड की जो हम लेन देन कर रहे हैं, मतलब क्षण भर की खुशी के लिए, उसके कारण से हम क्या हैं, डेंजर में। जस्ट एज द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, कहते हैं कि जिस तरीके से जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक अद्भुत जो है आविष्कार किए हैं इन मैटेरियल को बनाने के लिए, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, इसी तरीके से जो हिंदूवादी लोग हैं उन्होंने भी बहुत ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण खोज किए हैं। किसके ऊपर खोज किए हैं? तो रिलीजन के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर और सोल के ऊपर। रिलीजन मीन्स धर्म, स्पिरिट मीन्स आत्मा,
और सोल मीन्स भी आत्मा, स्पिरिट मतलब भूत भी होते हैं यहाँ पे और सोल मीन्स आत्मा। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन कहते हैं सुंदर सुंदर और जो ग्रेट डिस्कवरीज हैं उसको समझने का हमारे पास वो नज़र नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मैटेरियल प्रोग्रेस, हम जो है भौतिकवादी प्रगति से चौंधिया गए हैं, डेजल हो गए। दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिस प्रोग्रेस को वेस्टर्न साइंस ने बनाया है, आई एम नॉट इनमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रोग्रेस से जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं लगा हुआ हूँ या उससे लव में हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सेम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, सचमुच में या लगभग ऐसे मालूम पड़ता है मानो कि गॉड जो है अपने विजडम में इंडिया को रोक दिया है। किससे रोक दिया है? रोक दिया है प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, मतलब उन सारे चीज़ों से प्रोग्रेस होने में, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रजिस्टिंग द ऑनरश ऑफ मैटेरियलिज्म, जिससे कि जो इंडिया जो है वो अपनी खास मिशन को पूरा कर सके और जो ये मैटेरियलिज्म की जो सभ्यता है उसके पीछे जो लोग भाग रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगा सके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. कहते आखिर में कुछ तो हिंदुइज्म में है जिसने कि इसको अभी तक जिंदा करके रखा हुआ है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilizations. कहते हैं कि यह एक ऐसा गवाह बना हुआ है जिसने कि देखा है कि कैसे Babylonian, Syrian, Persian और Egyptian civilization का अंत हुआ है। Cast a look around you, अपने चारों तरफ जो है नज़र फेंको या नज़र डालो। Where is Rome and where is Greece? आज जो है रोम और ग्रीस कहाँ है? Can you find today anywhere the Italy of Jivan? कहते हैं कि क्या कहीं भी आप जीवन की इटली को खोज सकते हो, और rather the ancient Rome या प्राचीन रोम को खोज सकते हो? For Rome was Italy, क्योंकि रोम जो है रोम के लिए इटली था। अब कहते हैं गो टू ग्रीस, वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहते हैं ग्रीस जाओ जहाँ पे दुनिया की सबसे फेमस एटिक सिविलाइजेशन थी। एटिक सिविलाइजेशन ये ग्रीस की थी। देन कमिंग टू इंडिया, और उसके बाद जब आप भारत वापस आते हैं, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू, कहते हैं किसी एक को जो है, किसी भी व्यक्ति को हमारे पास जो प्राचीन रिकॉर्ड है उनको पढ़ लेने दो। एंड देन लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों ओर देखो। एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से, तब आप कहने पे मजबूर हो जाओगे। क्या कहने पे मजबूर हो जाओगे? यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, कि हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं कि जो प्राचीन भारत है वो अभी भी जीवित है। True, there were dung heaps too, here and there, but there are rich treasures buried under them. कहते हैं सत्य है यहाँ पर में बहुत ज़्यादा जो है बेकार की चीज़ें थी या dung heaps थी इधर उधर, but there are rich treasures buried under them. लेकिन इनके नीचे में भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है वो छुपा हुआ है। And the reason why it has survived is, और यही कारण है कि यह अभी तक जीवित है, दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मैटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, और यह उस अंत तक कायम है जिसको हिंदुइज्म ने जो है पहले से ही सेट कर दिया था। बिफोर इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मैटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, मतलब स्पिरिचुअल लाइन के साथ ही इसको डेवलपमेंट कर दिया था, लेकिन इन्होंने कभी भी मैटेरियल डेवलपमेंट को नहीं देखा। तो यहाँ पे यह कह रहे हैं हिंदुइज्म ने जो है बहुत ऐसी चीज़ है जिसको स्पिरिचुअलिटी पर लेके चले, ना कि मैटेरियल डेवलपमेंट के साथ लेके चले।
आवर सिविलाइजेशन आर कल्चर आर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आर वॉन्ट्स। कहते हैं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी जो स्वराज है, वो हमारी जो इच्छा है उनको अगर कई गुना करते हैं हम उसे, तो उस पर आधारित नहीं है, ना ही सेल्फ इंटेलिजेंस पे है कि किसी चीज़ में हम डूब जाएं, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स सेल्फ डिनाइल। तो वही है, कह रहे हैं सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स। कहते हैं बल्कि अगर हम इसको सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, इन इच्छाओं को, तो उन पर निर्भर करती है। उसको अगर हम त्याग देते हैं, सेल्फ डिनाइल कर देते हैं, तो उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे। बाय देन टेक केयर योरसेल्फ।